गाइस कल्बोदरो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लटर के अंदर सिंक्रोनाइजेशन क्या है, वो वर्क कैसे करता है, वो किस लिए यूज होता है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था फ्लटर के अंदर मैपिंग क्या है, वो वर्क कैसे करता है, उसको यूज कैसे कर सकते हैं, वो सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। अगर आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे दी, जाके आप वो वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लटर के अंदर सिंक्रोनाइजेशन है क्या। तो सिंक्रोनाइजेशन हम किस लिए यूज करते हैं, जब भी हम एपीआई कॉल कराते हैं तो एपीआई कॉल करने के टाइम पे हम डेटाबेस से या लाइव डेटा हम कहीं से भी कैप्चर करा रहे हैं, तो डेटा पर्टिकुलरली हमें पता नहीं हो कितने एमबी का है या कितने टाइम में वो लोड होगा। मतलब पर्टिकुलरली हमें कोई सबसे पहले यूजर नेम चाहिए, उसके बाद पासवर्ड चाहिए, उसके बाद उसका बायो चाहिए, ठीक है। तो अभी हम जब हम एपीआई कॉल कराएंगे तो जब हमारे एप्लीकेशन लोड करेंगे तो जब भी एप्लीकेशन रन होकर आएगी तब वो एपीआई कॉल करने के टाइम पे वो लोडिंग लेगा। तो उस टाइम पे हमें नहीं पता है कि हम जब हम डेटा लोड कराए तो कौन सा डेटा सबसे पहले लोड होके आएगा। तो सिंक्रोनाइजेशन ये करता है कि जब हम डेटा लोड कराए तो सबसे पहले हमें यूजर नेम चाहिए, उसके बाद उसका पासवर्ड चाहिए, उसके बाद उसका बायो चाहिए। तो इस हिसाब से वर्क करके आपको देखा, जब हमने सिंक्रोनाइजेशन किया तो अगर आपको यूजर नेम कॉल कराना में आपको 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, पासवर्ड कॉल कराना आपको 3 सेकंड का टाइम लग रहा है, और ईमेल आईडी कॉल कराना आपको 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। ये आपकी टाइम ड्यूरेशन है। और जब भी हम एप्लीकेशन लोड कराएंगे तो सबसे पहले हमारा ईमेल आईडी दिखेगा, बट हमें सबसे पहले उसका यूजर नेम शो कराना है। उस टाइम पे हमें सिंक्रोनाइजेशन वर्क करना पड़ता है। तो सिंक्रोनाइजेशन ये करता है कि जब हमने उसके अंदर टाइम डिफाइन कर लिया है तो उस टाइम के हिसाब से वो जो हमने सबसे पहले यूजर नेम रखा है तो सबसे पहले यूजर नेम टाइम स्लॉट के हिसाब से आएगा, उसके बाद ही पासवर्ड आएगा और उसके बाद ही ईमेल आएगा, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन डेटा को एक सीक्वेंस में भेजता है, जो हमने सीक्वेंस डिफाइन किया वही सीक्वेंस में वो डेटा शो करता है। अगर कोई डेटा कोई फास्टली लोड हो जाए तो वो डेटा वो पेंडिंग में रखता है, उसको होल्ड करके रखता है उस डेटा को। जब हमारा फर्स्ट डेटा लोड हो जाएगा उसके बाद ही वो सेकंड डेटा लोड होने देगा। तो भी इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हो कैसे वर्क करता है। तो भी हम बाय डिफॉल्ट हम लोडिंग वाले पेज पे, इधर से हम सीधा होम पेज पे जाएंगे। तो होम पेज पे जब हम जाएंगे तो सारा डेटा वो लोड होना चाहिए। तो भी हम होम पेज पे भी इधर वर्क करते हैं। तो इसके अंदर एक फंक्शन है इन स्टेट करके, इधर हम फंक्शन बना रहे थे इन स्टेट। तो इन स्टेट फंक्शन है क्या, तो इन स्टेट फंक्शन ये होता है कि जब भी हम एप्लीकेशन रन करते हैं तो वन टाइम पे जब हमें कुछ डेटा शो कराना है या फिर कुछ भी डेटा हमें थ्रो कराना है, इन स्टेट आपको थ्रो करके देगा। तो एक टाइप की एक मेथड है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले एक प्रिंट कराते हैं, प्रिंट इनिट स्टेट फंक्शन रन। तो भी हम इसको रन करते हैं। तो भी हम इधर से पहले हमारी रन पैनल खोल लेते हैं, इसको रन करते हैं। तो भी हम इधर होम पेज पे सीधा रिडायरेक्ट होते हैं। तो जैसे हमने होम पेज पे रिडायरेक्ट किया इधर आपको इन स्टेट फंक्शन रन का आपको मैसेज मिल चुका है। तो भी जितनी बार हम इसको रन करेंगे उतनी बार ये इन स्टेट का आपको दिखाएगा मैसेज। तो हमने जितनी बार उस पेज पे रिडायरेक्ट करो उतनी बार वो इन स्टेट फंक्शन रन हो रहा है। तो हम विजेट के अंदर वो डेटा प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट बिल्ड फंक्शन रन हम बिल्ड फंक्शन को रन कराते हैं। तो पैनल ओपन कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो अभी हम होम पेज पे रीडायरेक्ट होते हैं। तो जैसे हमने होम पेज पे रीडायरेक्ट किया तो इन स्टेट फंक्शन रन हुआ और बिल्ड फंक्शन रन हुआ। तो मैं अभी आपको जो हमारे इन स्टेट मेथड है और इसके अंदर हमने जो विजेट के अंदर जो फंक्शन रन किया उस दोनों के बीच में आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। तो जितनी बार हम इसको विजेट को लोड करेंगे उतनी बार सिर्फ हमारे बिल्ड फंक्शन ही रन होना चाहिए, ना कि हमारे इन स्टेट फंक्शन होना चाहिए। मतलब जितनी बार हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तब उतनी बार सिर्फ विजेट ही लोड होगा, नहीं कि पूरा के पूरा क्लास लोड होगा, ठीक है। अगर आपने स्टेटलेस विजेट यूज किया है तो पूरा के पूरा क्लास रन होगा, तो पूरा का पूरा क्लास रिफ्रेश होकर आएगा। अगर आपने स्टेटफुल विजेट यूज किया तो आपको सिर्फ वो पर्टिकुलर विजेट ही आपको रिफ्रेश होकर मिलेगा। तो मैं इसके अंदर देखते हैं कि पर्टिकुलर विजेट आपको रन करके दिखाता हूँ। तो आपको इधर एक वेरिएबल अभी हम डिफाइन कर लेते हैं, इंटीजर काउंट इक्वल जीरो। तो भी हम इसके अंदर जो हमारा होम है उसको हम बटन बना लेते हैं। सबसे पहले रेज बटन ऑन प्रेस
चाइल्ड टैक्स काउंट इज डॉलर काउंट। तो अभी हम ऑन ब्रेस के अंदर मेथड डिफाइन करते हैं। इधर हम लिखेंगे सेट स्टेट काउंट प्लस इक्वल वन। हमने जितने काउंट प्लस इक्वल वन डिफाइन किया है, दैट मीन्स का मतलब ये होता है कि हम जितनी बार रन करेंगे, जितनी बार हम बटन को प्रेस करेंगे, उतनी बार वो काउंट के अंदर जितनी भी वैल्यू होंगी उसके अंदर प्लस वन आपको करके देगा। अभी हम इसको रन करते हैं। तो अभी हम होम बटन क्लिक करते हैं। तो अभी हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं पैनल को। तो अभी हम इसको होम पे क्लिक किया तो अभी काउंट इज जीरो दिखा रहे, क्योंकि इसके अंदर अभी कोई हमने प्रेस नहीं किया है। तो अभी हम इसको प्रेस करते हैं तो हमें काउंट वन मिल गया। इधर हमने बिल्ड फंक्शन आपको दिख रहा होगा, बिल्ड फंक्शन रन। तो जितनी बार हम उस पर क्लिक करेंगे उतनी बार आपको विजेट रिफ्रेश करके देगा। आपको पता चल गया होगा कि विजेट कितनी बार रिफ्रेश होकर आ रहा है, दैट मीन्स सिर्फ विजेट ही रिफ्रेश होकर आ रहा है और इनिट स्टेट जो हमने बनाया था इनिट स्टेट वो सिर्फ पर्टिकुलर वन टाइम ही रन हो रहा है। तो अभी हम इसको सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू रन करते हैं। तो अभी हम इसको हटा लेते इधर से। तो आपको इधर अब मैथड डिफाइन करनी पड़ेगी। तो अभी हम इधर एक मैथड डिफाइन करते हैं void गेट डेटा। तो अभी हम इसके अंदर फंक्शंस बनाएंगे। तो अभी हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन को किस लिए बना रहे हैं, तो इधर हम इसको कमेंट में लिखते हैं नेटवर्क रिक्वेस्ट फॉर यूजर नेम। ये जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो नेटवर्क के लिए, हमें नेटवर्क रिक्वेस्ट जो भेज रहे हैं यूजर नेम के लिए भेज रहे हैं। तो इधर हम डालते हैं फ्यूचर डॉट डिले। फ्यूचर डॉट डिले इसलिए लिखा है कि फ्यूचर में जो हमारी एपीएम कॉल करा रहे हैं उस डेटा को डिले हो, तो डिले डेटा के लिए हमने इधर पार्टिकुलर फंक्शन है फ्यूचर डिले। तो इसके अंदर ड्यूरेशन पास करते हैं कितने टाइम के लिए हमें वो ड्यूरेशन में होल्ड करके रखने हैं। तो इसके अंदर हम सेकेंड्स पास करेंगे कितने सेकेंड्स के बाद वो शो होना चाहिए। तो इधर हम एक एज अ एग्जाम्पल 4 सेकेंड ले लेते हैं। तो इसके अंदर हम सेकेंड कंडीशन पास करते हैं। तो सेकंड कंडीशन इसलिए कि जो हमने जो टाइम ड्यूरेशन किया है डिले उसको हम फायर कराएंगे इसके अंदर। इसके अंदर हम लिखते हैं प्रिंट यूजर नेम ध्रुविन। तो हमने ड्यूरेशन इधर सेट कर लिया है 4 सेकंड के बाद हमारे मैसेज प्रिंट होना चाहिए। इसके इन स्टेट के अंदर इसको कॉल करा लेते तो गेट डेटा। तो हमने इन स्टेट के अंदर उसको कॉल करा लिया। तो अभी हम इसको रन करते हैं। हमारी पैनल रन पैनल ओपन कर लेते ओके। तो अभी हम होम बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो फंक्शन बिल्ड आ चुका है अभी हमारा विजेट। तो अभी 4 सेकंड के बाद हमारे यूजर नेम भी हमें प्रिंट कर होके मिल चुका है। तो अभी हम इसके अंदर और एक मेथड बनाते हैं। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं टू गेट बायो ऑफ द यूजर नेम। ये जो नेटवर्क रिक्वेस्ट हम भेज रहे हो बायो के लिए, जो यूजर नेम हमने डाला है उस बायो के लिए हम भेज रहे हैं। तो अभी हम इसका टाइम ड्यूरेशन 2 कर लेते हैं। तो इधर हम चेंज कर लेते हैं, इधर हम डालते कल्पतरु एकेडमी फ्लटर बिगिनर। तो अभी हमने इधर 2 सेकंड के लिए इसको डाल लिया। तो अभी हम इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रन करते हैं। जैसे हमने रन किया तो सबसे पहले हमारा विजिट रन हुआ 2 सेकंड स्केल में, जो बायो रन हुआ उसके बाद हमारा यूजर नेम शो हो रहा है। तो अभी हम जब एपीआई कॉल कराएंगे तो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले हमारा यूजर नेम प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद ही हमारा बायो प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ता है। तो अभी हम इस फंक्शन के अंदर सिंक्रोनाइज पास करते हैं Async await। await कीवर्ड का मतलब यह होता है कि इसके अंदर कीवर्ड है await, उसको वे होल्ड करके रखा है जब तक हमारी 4 सेकंड कंप्लीट ना हो जाए और ये मैसेज प्रिंट ना हो जाए, तब तक ये बाकी सब फंक्शन को होल्ड करके रखेंगे। तो भी हम इसको रन करते हैं। तो भी देखते हो रन कैसे होता है। तो बैक आ जाते हैं होम स्क्रीन पे। तो भी सीधा इधर हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो सबसे पहले बिल्ड फंक्शन ही रन हो रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि 4 सेकंड के बाद हमारा ध्रुविन प्रिंट है, उसके बाद हमारा कल्पतरु एकेडमी फ्लटर बिगिनर रन हो रहा है।
आपको पता चल गया कि सिंक्रोनाइजेशन क्या करता है। जो हमारी टाइम ड्यूरेशन थी फोर ड्यूरेशन, वो फोर ड्यूरेशन सबसे पहले रन हो रही, उसके बाद ही 2 सेकेंड रन हो रहा है। मतलब 2 सेकेंड सबसे पहले रन होना चाहिए, बट जब तक हमारी 4 सेकेंड कंप्लीट ना हो जाए तब तक इस बाकी सब फंक्शन को होल्ड करके रखेगा। इसको भी हम होल्ड करके रखते हैं और वेट। इसको भी हम होल्ड करके रखते हैं, इसको रन करते हैं। तो भी देख सकते हो कि जैसे हमने रन किया तो पहले सबसे पहले रूबिन प्रिंट हुआ, उसके बाद हमारा बायो प्रिंट हो रहा है। तो भी हम इसके अंदर एक वो डालते हैं, इधर इसके अंदर प्रिंट डालते हैं। तो भी इसके अंदर हम प्रिंट डालेंगे, प्रिंट हाय, ठीक है। तो भी हम इसको रन करते हैं। तो अभी हमने यूजर नेम को 4 सेकंड दिया है और बायो को हमने 2 सेकंड दिए, प्रिंट को हमने कुछ सेकंड नहीं दिए। तो सबसे पहले वो रन हो जाए, बिकॉज अभी हम इसके अंदर वेटिंग सिंक्रोनाइजेशन डाला है। तो सबसे पहले 4 सेकंड वाला रन होगा, उसके बाद 2 सेकंड वाला रन, उसके बाद हाई प्रिंट होगा। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो फिर जैसे हमने होम पे क्लिक किया तो सबसे पहले हमारा विजेट रन हो रहा है, उसके बाद हमारा ध्रुवीन आ गया यूजर नेम, उसके बाद हमारा बायो आ गया, और उसके बाद हाई प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन फंक्शन के अंदर हमने जो जितना भी डाला है, इस फंक्शन के अंदर जितना भी हमने डेटा डाला वो एक सिंक्रोनाइजेशन में आएगा। वो पूरा ऐसे तैसे नहीं, सबसे पहले हाई प्रिंट होगा, फिर यूजर नेम, फिर बायो प्रिंट होगा, या फिर यूजर नेम प्रिंट होगा, ऐसा नहीं होगा। जिस हमने कंडीशन में डाला वही कंडीशन में रन होगा। इसको अभी हम स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कराते हैं, जितना भी डेटा उसको हम एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कराते हैं। यूजर इक्वल, इसको हम रिटर्न करेंगे इधर से, बिकॉज रिटर्न करेंगे तो ही इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। रिटर्न स्ट्रिंग बायो, रिटर्न। तो अभी हमने दोनों वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करा ले, तो अभी इसके अंदर हम कॉल कराते हैं डेटा को। फिर हमको डालना पड़ेगा डॉलर यूजर, प्रिंट कराते हैं डेटा को, यूजर डैश बायो। अभी हम इसको रन करते हैं। तो अभी हम होम पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने होम पे क्लिक किया तो सबसे पहले हमारा बिल्ड फंक्शन रन हो रहा है, उसके बाद एग्जिट 6 सेकंड के बाद हमारा डेटा प्रिंट हो गया है जो हमने इधर कॉल कराया, तो ध्रुविन और कल्पतरु एकेडमी फ्लटर बिगिनर, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हमने सिंक्रोनाइजेशन को देखा, तो अभी हमने सिंक्रोनाइजेशन के अंदर देखा कि जो हमने प्रिंट डाला था वो 6 सेकंड के बाद ही रन हो रहा है। तो अभी इसके अंदर इन स्टेट के अंदर अभी हम प्रिंट डाल के देखते हैं, प्रिंट Hey, there. तो हम इसको रन करते हैं। तो हम इसको रन करते हैं। तो जैसे हमने इन स्टेट के अंदर है देर डाला, तो सबसे पहले है देर हुआ, बिकॉज ये रन टाइम पे रन होता है और सबसे पहले वो रन होता है, इसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन वर्क नहीं करता है। तो सबसे पहले है देर रन हुआ, उसके बाद हमारा विजिट रन हुआ, और उसके बाद 6 सेकंड के बाद हमारा मैसेज प्रिंट होके आ गए, बायो, हमारे यूजर नेम और बायो। इस वीडियो में हमने देखा फ्लटर के अंदर सिंक्रोनाइजेशन क्या है, वर्क कैसे करता है और उसको यूज कैसे कर सकते हो, सब कुछ हमने इस वीडियो में कवर किया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया। अगर इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो, एरी मेरी मेल आई डी मुझे मेल भी कर सकते हो, या फिर एरी मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कल्पतरु एकेडमी आईटी, उस ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिए, उधर जाके आप ज्वाइन हो जाए, बिकॉज हर रोज की अपडेट आपको उस ग्रुप पे मिलती रहेगी। और इस कोड की टेक्स्ट फाइल मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा फ्लटर के अंदर पैकेजेस क्या है, उसको रन कैसे कर सकते हैं, उसको यूज कैसे कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे हमारे वीडियो सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।